नमस्कार, आप देख रहे हैं IAAN न्यूज़ और मैं इस वक्त जैसा कि आप देख सकते हैं खड़ा हूँ लाजपत नगर 4 अमर कॉलोनी में। और यहाँ पर 8 मार्च वुमेंस डे के दिन इतना बड़ा MCD द्वारा कदम उठाया गया, यहाँ पे पूरी दुकानें मार्केट पूरी सील कर दी गई, कम से कम 400 दुकानों को सील कर दिया गया, 900 से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो गए। तो आइए इस पर जानते हैं लोगों का क्या कहना है। देखिए, MCD की तरफ से कोई भी प्री नोटिस नहीं आया था कि आपकी दुकानें सील की जाएंगी। वो तो एक बार आए और उन्होंने सर्वे किया और अगले दिन आके बोल दिया जी ये सील होंगी। वो तो हमने अपने डर की वजह से कि माल भी सील ना हो जाए, हमारी जो रोजी रोटी इन दुकानों से चल रही है वो ख़त्म ना हो जाए, इसलिए लोगों ने माल निकाला। ऑलमोस्ट 20% लोग निकाल पाए हैं। हाँ। जिनको थोड़ा सा इंट्यूशन था, बाकी अदरवाइज कोई नोटिस नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब ऐसे कैसे चल रहा था। अपनी दादागिरी से आए और दादागिरी से सील करके चलते थे। टिफिन सप्लाई करती हूँ पूरी मार्केट में, ये मेरी हेल्पर है, ये है और दो चार और जो जुड़े हुए मेरे साथ काम करवाते हैं, वो सब घर बेघर हो गए हैं। एक दुकान बंद, ये दुकानें 450 दुकानें बंद नहीं हुई हैं, लाखों के हिसाब से एक ही दुकान के साथ कम से कम 20 या 25 परिवार जुड़े हुए हैं एक दुकान के साथ। आप खुद ही हिसाब लगा लो 450 दुकान के साथ कितने लोग होंगे। धोबी जो चदरे धोता है, संडे के संडे हम लोगों को पैसे मिलते थे, संडे के संडे हम लोग इनको पैसा देते थे, राशन वाले को देते थे, बच्चों के कपड़े, बच्चों की फीसें, बच्चों की किताबें, सारी चीज़ें सब उन पैसों से हमारा चल रहा था। 20 साल हो गए हमें सब कुछ देते हुए, मतलब हमारा गुनाह क्या है साहब? कितने जनों का रोजगार है, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं जो काम करते हैं। अब बर्तन मारने वाली है, जो हेल्पर है, सबको पैसे कहाँ से देंगे? मेरा घर चलेगा कैसे? 20 साल एकदम ऐसे करके रख दिया जैसे कोई भूचाल नहीं आया, तो भूकंप आ गया रातों रात, वो काम कर दिया। मैडम, ये तो बड़ा है, एक दुकान से कम मिनिमम 100 बंदे तो कम से कम इफेक्ट हो गए। आप 450 × 100 कर लो, इतने अनएम्प्लॉयड तो मिनिमम होंगे, प्लस जो बैंकिंग है वो भी खराब होगी सभी की, क्योंकि हमारे भी सारी सबके बैंक्स की लिमिट्स है, कार्स की इंस्टॉलमेंट्स है, सब कुछ ही है। जितना इंपैक्ट लंबा होता जाएगा उतनी सारी इंस्टॉलमेंट सबकी डाउन होती है। जितने आप मल्टीप्लाई करते रहो, जितनी मार्केट बंद होगी उतने आप पर 100 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हो मिनिमम अमाउंट आपको। डेली सुबह घर से लंच लेके आते हैं, कभी ऐसे आते हैं मार्केट में आके बैठ जाते हैं, देखते हैं कि आज क्या कर रही है, कोई मीडिया आ रही है, कोई आ रहा है, मीडिया तो कुछ दिखाई नहीं रही है। TV शाम को जाके देखते हैं कि कुछ इफेक्ट पड़ेगा इसका सीलिंग का, वो तो कुछ हो नहीं रहा है। यानी कि उम्मीद पर टिके हुए हैं कि सरकार कहीं ना कहीं फिर वो चीज़ को वापस करेगी आपको? जी जी, अब सरकार से ही आशा कर सकते हैं कि सरकार हमारे लिए मार्केट को खोलेगी। हम लोग का काम है यही से रोजी रोटी चलनी है, तो आप आशा तो यही करेंगे कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, लेकिन कोई अभी तक के यहाँ पर ऐसा बड़ा नेता भी नहीं आया जो आकर के कुछ कहे कि हम खुलवाएंगे। सब चलाते हैं और मैं जैसे डेली जैसे पर डे आता हूँ, ऐसे आज भी मैं आ रहा हूँ, टिफिन पानी सारा चीज़ मैं लेकर के यहाँ पर पहुँच रहा हूँ। यहाँ पर मार्केट ऐसे सील हुई है जैसे गुंडागर्दी हुआ है। मैंने पूछा कि आप हो कौन, जैसे मैं आप पूछ रहा हूँ कि आप हो कौन, तो आप बता सकते हो कि मीडिया वाले हम हैं, ठीक है। मैंने पूछा, उनसे पूछा कि आप हो कौन, आपने आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ भाई, कौन हो, क्या हो, किस बिना पर हमारे दुकान को सील कर रहे हो आप, हक बनता है मेरा पूछना। मैंने दिखा रहा हूँ, ये कन्वर्सर चार्ज मैंने भरा है, ठीक है, ये देखिए हमारे पास GST है, सारा चीज़ मैं लीगल तरीके से काम कर रहा हूँ, अनलीगल तरीके से काम नहीं कर रहा हूँ। ऐसे गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऐसे गुंडागर्दी करके पकड़ के हाथ पकड़ के बाहर फेंक देना, लेडीज़ों को ऐसे मारना, ऐसे फिर वुमेंस डे का दिन ऐसे काम कांड हुआ यहाँ पे। सरकार पता नहीं क्या कर रही है, क्या क्या देख रही है पता नहीं चल रहा, पर सबसे पहले चीज़ तो मीडिया वाले दिखा नहीं रहे हैं कि यहाँ पर इतनी बड़े संख्या में कांड हुई, लेडीज़ को ऐसे मारा गया। हम दिखाएंगे आपकी बातें को, दिखाएंगे। तो मैं आपसे भी अपील कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल दिखाएं आप। सर मैम, 1991 से हमारी शॉप है, 1991 से हमारे पास लाइसेंस मिले हुए हैं, हमारे पास लाइसेंस हैं, हर पेपर है, हम तब से लेके आज तक गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, हाउस टैक्स और यहाँ तक कि कन्वर्जन और इससे पहले जो भी काम होते थे हम सब उनको एज यूजल जैसे गवर्नमेंट का है, एज लॉ है, वो देते आ रहे हैं। आज आपको मैं नक्शा भी दिखाया है, उसके अंदर आपका देखिए आपके सामने है, हर चीज़ हमारे को प्रोवाइड है, उसके बावजूद पता नहीं किस वजह से आकर ये हमारे को अनऑथराइज बता रहे हैं। हमारे पास 6 लेन्स है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेन्स है। मास्टर प्लान बना था, जब 2006 में सीलिंग का मुद्दा होता था मास्टर प्लान बना था, मास्टर प्लान के हिसाब से पूरी सर्वे होती, पूरी मार्केट की एक एक दुकान हमारी चेक की गई थी, बकायदा मिनिस्टर लोग आए थे, LND के बंदे भी आए थे, पूरा एक एक दुकान को चेक करके गए थे। उस टाइम माखन साहब होते थे, वो भी साथ ही आए थे। सारा सर्वे करने के बाद ये जो रोड हम खड़े हुए हैं ये कमर्शियल डिक्लेयर हुई थी, जहाँ ये खड़े हुए हैं। कमर्शियल मतलब क्या होता है कि नीचे ऊपर हम काम कर सकते हैं बिना किसी की ऑब्जेक्शन से। दूसरी रोड एक रोड पीछे की टेंशन हुई थी जो मिक्स लैंड में आई है, जहाँ नीचे हम ग्राउंड में काम कर सकते हैं, ऊपर से हम रह सकते हैं। तीसरी रोड आई थी यहाँ पीछे जो
काले डंडों से ये पीछे जो विक्रम होटल तक जाते हैं ये वाले, ये तीन रोड उन्होंने पास किए थे कि यहाँ पे आप बेफिक्र होकर काम कर सकते हैं और इसका कन्वर्जन चार्ज आपने पूरा 10 साल पे करना है। अगर वन टाइम कोई पे करता है तो 8 साल देगा, नहीं तो 10 साल पे करेगा। ये उस टाइम ये कंडीशन थी, उस टाइम ये कंडीशन थी, हमारे मास्टर प्लान में लिखा हुआ बकायदा ये बार बार ये चीज़ दोहराई जा रही है। हम लोग MCD भी जाते हैं यही, उन्होंने नहीं माना कि 10 साल हमने, हमें आगे का फॉरवर्ड करो। हमने आगे का भी 20 साल जमा कराया, मैंने पूरी, मैं मार्केट का रेजिडेंट हूँ इस मार्केट का, पूरी को सबमुख को हिदायत दी है कि आप 11 साल का भी जमा करा दो, ताकि हमें कोई ये ना कहे कि आपका कंडीशन जमा नहीं है। 2007 से लेकर 2018 तक का जो भी टाइम में चल रहा है पीरियड, अब तक हमने कंडीशन पूरा दे रखा है और हमने यही रिक्वेस्ट की थी कि हमारे से पेपर आप चेक कीजिए, उसके बाद जैसा आपको लगता है वैसा कीजिए। हम मास्टर प्लान से आगे 1% भी आगे नहीं गई है, जैसे गवर्नमेंट के लॉ से बना हुआ है, वो हमारे लॉ नहीं है, वो उन्होंने अथॉराइज किया हुआ है, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। उसके बावजूद भी कोई बात सुनने को राजी नहीं है, आए हैं बस बारी बारी घर से बाहर निकालते गए, शटर बंद करते गए और ताला लगाते चले गए। ये क्या लगता है, ये सरकार की सोची समझी साजिश है? देखिए, साजिश का जहाँ तक सवाल है, इस टाइम जो मॉनिटरी कमेटी बैठी हुई है उनको पूरी पावर है, जिसका वो जाए वो कर सकते हैं। अब किसी से हमें हमसे पूछे अगर हमें ये हिदायत दे कि हमें 2 दिन का आपको टाइम दे दीजिए, हमें कि अपने पेपर दिखाइए, आप गलत है आप सील कीजिए, हम वो नहीं कर रहे, हम बिल्कुल बाहर नहीं जा रहे कहीं भी, लेकिन हमें ये पता ही नहीं कि हमारी दुकानें सील क्यों की गई हैं। बस अब अगर पूछा गया तो कहते हैं एनक्रोचमेंट कर रखी आपने, जबकि एनक्रोच के पूरे हमारे पास प्रूफ है। बहुत से लोग अनएम्प्लॉयमेंट हुए हैं, एक एक दुकान से 10-10, 50-50 फैमिली जुड़ी हुई हैं, उनके बच्चे भी हैं। अब वो हमारे से ये सवाल पूछते हैं कि भैया अब हम कहाँ जाएंगे, अब हमारा क्या होगा, ये सवाल पूछते हैं, हमारे पास कोई आंसर नहीं है। मार्केट एसोसिएशन का मैं चेयरमैन हूँ, मैं सरकार से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट से, सुप्रीम कोर्ट से। ये 2006 में सीलिंग का मुद्दा आया था, 2007 में हमारे अजय माकन जी ने इसको मास्टर प्लान में ला के ये रोड पे हम जहाँ खड़े हैं ये कमर्शियल कर दिया था। 3 रोड हमारे मिक्स लैंड यूज हैं, 2 रोड हमारे 20 मीटर वाले हैं, एक ये मेन वाला रोड है, ये 351 में पेंडिंग है। मैं ये पूछना चाहता हूँ 2007 के बाद 2018 में कम से कम भी दिल्ली में 50,000 दुकानदार और GST के अंडर में आया होगा, नई दुकानें बनी हैं। जब इन्होंने रिहायशी एरिया से दुकानें निकालनी थी तो फिर ये 50,000 दुकानें और कहीं क्यों नहीं बन गई, उसका जवाब चाहिए। देखिए मेरी वाइफ का हाथ वो करते हुए ये अखबार में, टाइम्स ऑफ इंडिया में, ये 9-12 टाइम्स में ये फोटो आई है, ये मेरी वाइफ है वुमेंस डे के दिन, और इतनी ये सारी ये लेडीज़ पुलिस ने पकड़ पकड़ के इनको खींच खींच के दुकान से बाहर निकाला। मेरी PS प्रॉपर्टी के नाम से यहाँ शॉप है मेन रोड पे, और हमारी कमर्शियल शॉप का ये कमर्शियल रोड है, उसके बावजूद भी हमारी ये सील कर दी। तो जहाँ हम एक तरफ बात करते हैं विमेन एडुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट की, वहाँ इस तरह की शर्मनाक घटना विमेंस डे के दिन सरकार पे बहुत बड़े सवाल उठाते हैं।